जय हिंद आपने हमेशा से स्कूल में पढ़ा और सुना होगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना सिर्फ पृथ्वी बल्कि सभी प्लानिट्स सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है क्यों ये प्लानिट्स सूरज से कहीं दूर घूमने नहीं निकल जाते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी प्लानिट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो कि एक सर्कुलर पाथ पे नहीं बल्कि लिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं यानी कि पूरे गोल ना घूम करके वो अंडाकार मार्ग बनाते हैं और चारों ओर सूरज के वो घूमते हैं पर ये सभी प्लानिट्स ऐसा करते क्यों हैं इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जिस भी चीज़ का मास यानी कि द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है और आपको पता होगा कि सभी प्लानिट्स के कंपैरिजन में सन का मास सबसे ज़्यादा है और इसका मतलब सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी सबसे ज़्यादा है तो अगर ऐसा है तो क्यों नहीं सन बाकी सभी प्लैनेट्स को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर खींच लेता है और ये सभी प्लैनेट्स जाकर के सन से टकरा जाए ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी सभी प्लैनेट्स के पास भी अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके मास के अकॉर्डिंग वो कम या ज़्यादा है लेकिन सभी प्लैनेट्स के पास अपना भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो क्या होता है कि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जब एक दूसरे को खींचते हैं यानी कि सन भी अपने ग्रेविटेशन से सभी प्लैनेट्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और बाकी प्लैनेट्स सन को ऐसा नहीं करने देते क्योंकि एक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स भी बाहर की ओर काम करने लगता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है जब हम किसी धागे से किसी स्टोन को बांध घुमाते हैं उसको घुमाने से धागे पर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है जो स्टोन को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करता है लेकिन क्योंकि पत्थर मूव कर रहा है तो बाहर की तरफ भी एक सेंटिफिकल फोर्स काम करता है तो इस तरीके से वो तनाव पत्थर को अंदर खींचने की कोशिश करता है लेकिन साइंटिफिकल फोर्स पत्थर को धागे से तोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर करता है इस तरीके से दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं और वो बैलेंस बना रहता है और पत्थर गोल गोल सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है कुछ इसी तरीके से सन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी सभी प्लैनेट्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो मूविंग प्लैनेट्स पर भी बाहर की ओर एक फोर्स वर्क करने लगता है जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस बना रहता है और सभी प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमने लगते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जय हिंद